हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द्वाबा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपका दोस्त ऋषभ अग्रवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 BHK का फ्लैट बिल्ट अप ऑन एन एरिया ऑफ 80 स्क्वायर यार्ड्स। इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये मेन बिंदापुर मटियाला रोड पे रहने वाला है फ्लैट। तो गाइज आज जो मैं आपके लिए फ्लैट लेके आया हूँ ये विद लिफ्ट विद कार पार्किंग का फ्लैट है। पूरी सोसाइटी बनाई हुई है ये फ्लैट, बहुत ही प्यारा फ्लैट होने वाला है। तो आइए गाइज एक बार मैं आपको इसके नीचे चल के लोकेशन समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको ऊपर लेके आऊंगा। गाइज जैसा कि आपसे बात हुई है मैं आपको इस फ्लैट की लोकेशन समझा देता हूँ। उत्तम नगर वेस्ट से ये लोकेशन जो है हमारी मात्र और मात्र 600 मीटर्स फ्रॉम उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, और ये आता है हमारा मेन बिंदापुर मटियाला रोड पे। आप किसी से भी अगर उत्तम नगर में आपका कोई भी जानकार रहता है उससे पूछ सकते हैं मेन बिंदापुर मटियाला रोड परमपुरी का एरिया कहाँ लगता है। बिल्कुल इसके बाजू में परमपुरी का चौक है और साथ ही में ये बिल्डिंग आती है। आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं कि ये एरिया कहाँ है, ये लोकेशन कहाँ है, सारा कुछ वो आपको 10 मिनट के अंदर बता देगा। कैसी लोकेशन है ये भी आपको पता चल जाएगी। वन ऑफ द टॉप लोकेशंस इन उत्तम नगर इज नोन एज बिंदापुर मटियाला रोड एंड परमपुरी, बहुत टॉप की लोकेशन है। जल्दी से आइए और इस फ्लैट को बुक कराइए। आइए अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। आइए गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे फ्लैट के अंदर। फ्लैट होने वाला है बहुत ही जोरदार ये, तो एक बारी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्लैट। उससे पहले मैं आपको इस फ्लैट का नक्शा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है 45x60 में हमारा ये पूरा प्लॉट है। इसमें हमने 2 फ्लैट फ्रंट में निकाल दिए, 2 फ्लैट बैक में निकाल दिए। पूरी 300 गज की प्रॉपर्टी है जिसमें से 2 फ्रंट में 2 बैक में हो गए हमारे फ्लैट। ये फ्लैट जो है ये विद लिफ्ट का है जैसा कि आपको अभी मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ्लैट के अंदर। ये अभी हम खड़े हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। अब मैं आपको फ्लैट का नक्शा एक बार समझाता हूँ। अभी हम खड़े हमारे ड्राइंग रूम के अंदर, एक रूम हमारा फ्रंट में ये हो गया, एक रूम हमारा फ्रंट में ये हो गया, दोनों रूम फ्रंट में आते हैं इसके। एक रूम हमारा ये हो गया, ये जो अभी हम खड़े हमारे ड्राइंग रूम के अंदर खड़े हैं, कॉमन वॉशरूम एंड दिस इज योर किचन, योर प्राइवेट किचन। जैसा कि हर बारी डिमांड रहती है कि किचन हमारी बिल्कुल ड्राइंग रूम से सेपरेट हो, बिल्कुल इस बारी वही चीज बना के लाया हूँ आपके लिए। आइए एक बारी मैं आपको अपना ड्राइंग रूम के अंदर का वॉलपेपर, टीवी पैनल और फॉल सीलिंग दिखाने की कोशिश कर दो। क्या शानदार इसके अंदर हमने वॉलपेपर और फॉल सीलिंग करा रखी है, आप एक बार देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक बार कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको पूरा वॉलपेपर दिखाए, देन आपको फॉल सीलिंग दिखाए। तो गाइस जैसा भी आपने देखा ये था हमारा ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के ठीक सामने हमने यहाँ पे इसका पूरा ग्रैंड साइज का टीवी पैनल बनाया हुआ है। टीवी पैनल की अगर मैं बात करूँ तो विद फ्रॉम रूफ टिल फ्लोर इतना बड़ा टीवी पैनल आज तक किसी ने नहीं बनाया उत्तम नगर के अंदर। इतना ग्रैंड साइज का टीवी पैनल है इसका। इसके अगर मैं साथ में स्टोरेज की बात करूँ तो इसके अंदर हमने स्टोरेज की स्पेस, प्रॉपर स्टोरेज बना रखी है। 5-5 ड्रॉर दे दिया हमने आपको इसके अंदर, 5-5 ड्रॉर, आराम से आप अपना सारा सामान इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ पे हमने आपको 2 शोपीस के लिए आइटम्स के रखने के लिए स्पेस दे दी, यहाँ पे हमने आपको टीवी पैनल की स्पेस दे दी, वहां पे हमने स्विच दे दिया टीवी लगाने के लिए। एक एक चीज डिटेल के अंदर लगाई है इस फ्लैट के अंदर। अगर मैं एसी की फिटिंग की बात करूं तो बिल्कुल ठीक सामने टीवी पैनल के हमने एसी की फिटिंग दे रखी है। अब बात करते हैं ड्राइंग रूम के डायमेंशंस की। बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है ये ड्राइंग रूम का डायमेंशन क्या है, तो एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पीछे तक जाए और आपको पूरा ड्राइंग रूम का साइज दिखाए। ये पूरा हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का साइज आपका 18x10 का ड्राइंग रूम है ये। 18x10, आई अगेन रिपीट, 18x10 का ड्राइंग रूम है ये। प्रॉपर ग्रैंड साइज का इसके अंदर हमने ड्राइंग रूम निकाल रखा है। दोनों रूम के अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 11x10, 12x10 के हमारे 2 रूम होने वाले, एक रूम हमारा 10x10 का होने वाला है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपने बालकनी वाले रूम के अंदर लेकर चलता हूं। आइए गाइस, बहुत ही प्यारा ये बालकनी वाला रूम होने वाला है। इसके अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो प्रॉपर 11x10 के इसके डायमेंशंस हैं विद बालकनी। ये वाला फ्लैट है, इसके अंदर हमने 2 रूम्स के अंदर अटैच्ड अलमीरा दी है। 2 रूम्स के अंदर हमने इसके अंदर अटैच्ड अलमीरा दी है, कमरे से जगह नहीं ली है। कमरे के अलावा जो मैंने 11x10 बताया उसके अलावा ये स्पेस हमने अलमारी की बनाई हुई है। बहुत ही बढ़िया अलमीरा इसके अंदर बनी हुई है, नीचे शूरैक पूरा बनाया हुआ है, टिल रूफ हाइट की हमारी अलमीरा है।
तो गाइस अब मैं आपको एक बार इसकी दिखाता हूँ फॉल सीलिंग और वॉलपेपर बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर इसके अंदर, मतलब जिसको बोलते हैं ना इतना प्यारा वॉलपेपर कि बंदे का मन वैसे ही ना करे अपने कमरे से बाहर निकलने का। एक बार ये देखिए, इसको बहुत ही प्यारा हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है इस फ्लैट के अंदर और पूरी सनरेज आती है इस कमरे के अंदर, पूरी आती है। अभी मेरी फ्रंट एलिवेशन इस बिल्डिंग की बन रही है, फिर भी पैड्स बंधे हुए हैं सामने, फिर भी आपके सामने है पूरी फ्रंट एलिवेशन। बनने के बाद भी आपकी इसके अंदर आराम से सनलाइट आती है। ये हो गया आपका विंडो एसी का प्रोविजन, दो रूम्स में आपका विंडो एसी लग जाएगा इसके अंदर, जो कि बहुत ही कम आपको फ्लैट्स में प्रोविजन मिलता है। इनफैक्ट तीनों रूम्स में आपका विंडो एसी लग सकता है, तीसरे रूम में हमने शाफ्ट इतनी बड़ी दी है कि आराम से आपका विंडो एसी लगेगा। आइए गाइस, बालकनी वाले रूम के ठीक साथ में यहाँ पे हमने आपको प्रॉपर शोकेस बना के दिया हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी आराम से बुक्स अरेंज कर सकते हो, जो भी आपका मन है, शोपीस रखो, सारा कुछ आप कर सकते हो अपने तरफ से। यहाँ पर मैं पूरा आपको एक टीवी पैनल बना के दूंगा, एक और टीवी पैनल इस रूम में अभी बनना है वो टीवी पैनल, थोड़ी 5-7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर विद अटैच्ड वॉशरूम। ये जो हमारा रूम होने वाला है, एक बारी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इसकी फॉल सीलिंग और वॉलपेपर दिखाएं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने आप जज करो कैसा है। बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर इस रूम के अंदर, बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर। ये हमने इसके अंदर अगेन एक अटैच्ड अलमीरा इसके अंदर भी दे रखी है आपको, प्रॉपर अलमीरा है, दो सेक्शंस के अंदर अलमीरा है, साथ में हमने आपको इसके अंदर का अटैच्ड वॉशरूम दे रखा है। वॉशरूम में अभी सारी फिटिंग्स होनी बाकी हैं, वो हो जाएंगी जब आप शिफ्ट करने वाले होंगे। ये देखिए, इसके अंदर अभी सारी फिटिंग्स हमारी बाकी हैं, सामान आके सारा रेडी है, पर ये लास्ट डे में हम कराते हैं, जिससे कि हम आपको फ्रेश एंड न्यू चीज़ दें। ऐसा ना हो कि किसी ने आपका सैनिटरी पहले से यूज़ करी हो और वही आपको मिल जाए। आप जब नया फ्लैट खरीद रहे हो तो ये चीज़ आपके साथ कभी नहीं होनी चाहिए, कीप दैट इन माइंड। अगर हम बोल रहे हैं फ्रेश मिलेगा तो फ्रेश ही मिलेगा, दैट्स वेयर द्वाबा एस्टेट स्टैंड्स, दे स्टैंड फॉर देयर कमिटमेंट। तो गाइस जैसा भी आपने देखा, ये था हमारा पूरा मास्टर बेडरूम, इसके साथ में हमने यहाँ पे विंडो दे रखी है। आप चाहें तो इसको अपना दरवाज़ा लगवा के इसको भी बालकनी से अटैच करा सकते हैं, हमने इसके अंदर आपको विंडो प्रोवाइड कराई हुई है। आइए गाइस, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी किचन के अंदर। जैसा कि हमेशा की डिमांड होती है कि किचन हमेशा हमें सेपरेट चाहिए, सेपरेट किचन होगी तो भैया हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। सबसे ज़्यादा ये लेडीज़ का डाउट रहता है कि हमारी किचन जैसे कभी फैली हुई है तो एकदम से ड्राइंग रूम के अगर सामने होती है तो पूरा आपका दिखता है गेस्ट अगर कोई आ गए घर में। इस वाले फ्लैट में हमने बिल्कुल सेपरेट में किचन बनाई है, बहुत अच्छी किचन बनाई है। ये हमारी इसके अंदर आर ओ की स्पेस है, और हमेशा की तरह आर ओ की स्पेस है। ये हमारी यहाँ पे चिमनी की स्पेस है, यहाँ मैं आपको चिमनी लगा के दूंगा। ये आपका वॉश बेसिन की स्पेस हो गई, नीचे आपके सिंक की स्पेस हो गई, और ये सारे हमारे कबर्ड्स हो गए। साथ ही में हमने चिमनी के साथ यहाँ पे आपको एक शाफ्ट दी हुई है ताकि आपकी जो चिमनी की जो विंड है वो सारी यहाँ से चल जाए। फ्रेशर हमने ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करके दिया हुआ है। आइए गाइस, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे किड्स रूम के अंदर, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारा कॉमन वॉशरूम। आइए, ये जो है ये हमारा किड्स रूम है। इस रूम के अंदर आराम से आपका बेड आएगा, बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग हमने इसके अंदर कर रखी है, बहुत ही प्यारी इसके अंदर हमने फॉल सीलिंग कर रखी है। आप एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पूरी फॉल सीलिंग दिखाएं। फैंस हमने इसके अंदर लगा रखे हैं, साथ में इसमें वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक पूरी शाफ्ट दे रखी है। कैमरामैन एक बार यहाँ पर दिखाओ, ये हमने पूरी एक शाफ्ट दे रखी है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इतनी बड़ी हमने इसके अंदर शाफ्ट दे रखी है आपको, जिससे कि आपको कभी भी वेंटिलेशन की इस रूम के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आइए गाइस, अब हम चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ, फिर मैं दिखाऊंगा आपको बालकनी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रेट्स ऑफ दिस फ्लैट। तो जैसे कि हमने ये देखा, ये रूम के बिल्कुल एडजेसेंट में हमने कॉमन वॉशरूम आपको दिया हुआ है, फिटिंग्स अगेन सारी बाकी हैं, वो हम आपको करके देंगे। आइए, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी बालकनी के अंदर। मैं आपको बालकनी दिखाना भूल गया था, अभी मैं आपको बालकनी दिखाऊंगा।
ये जो हमारी बालकनी है प्रॉपर हमने इसमें स्पेस बनाई है। आइए, अभी पैड्स बंधे हुए हैं, थोड़ी सी फ्रंट एलिवेशन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ी सी गंदी है बालकनी। मैं एक बार कृतिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपको सामने की रोड दिखाए। कृतिक एक बार सामने की रोड दिखाओ कितनी चौड़ी है। अभी 2-3 मिनट रुकेंगे तो हमें एक आध ट्रक जाता हुआ दिख जाएगा। इसमें आराम से ट्रक्स जा सकते हैं इस रोड पे। खुली दुल्ली चौड़ी सड़क पे आपका ये फ्लैट होने वाला है। ये हमारी पूरी बालकनी थी। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ हमारा मेन पॉइंट, प्राइस ऑफ दिस फ्लैट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं हर बारी अपनी वीडियो में आपको फ्लैट का रेट जरूर बताता हूँ। दैट इज फॉर दिस फ्लैट विच यू हैव सीन राइट नाउ। इस फ्लैट का प्राइस जो अभी आपने देखा है दैट इज ओनली एंड ओनली 38 लाख रुपीज। इस पे मैं आपको 90% तक का लोन करा के दूंगा। आपको चाहिए 90% तक का लोन हो जाएगा। 38 लाख रुपीज का ये हमारा फ्लैट है। फटाफट आइए, नवरात्रों का टाइम चल रहा है, फटाफट से बुकिंग कराइए इस फ्लैट की और अपने घर को एक नया सपना दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच।